हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, अमानिया हियर। और फिर से आप सभी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर मैंने झटकी.com से एक और लहंगा मंगवा लिया है, जो कि मिरर वर्क लहंगा है, जिसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो लहंगा है, इसकी मुझे 5 to 6 रिक्वेस्ट आ चुकी थी, उसके बाद मैंने इसे मंगवाया था। तो ये एक मिरर वर्क लहंगा है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है, पीच कलर का है। इसका जो कॉस्ट है वो है 1890, तो अंडर 1900 का ये वाला लहंगा है, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इस लहंगा में मुझे रिसीव होता है दुपट्टा। तो इसका जो दुपट्टा है वो हमें मिलता है नेट का दुपट्टा। सो नेट का जो ये दुपट्टा है, ये 2.25 मीटर का है, बड़े पन्ने का है सबसे पहले तो। उसके बाद ये नेट के दुपट्टे पे पूरा ही सेंटर में आपको इस तरीके से जरी का और सिप्पी का काम मिल जाता है, कुछ ऐसा ये पूरे ही दुपट्टे पे आपको मिलेगा। और चारों तरफ से आपको इस तरीके की मिलती है सिल्क की बॉर्डर, जो लेसिंग के साथ अटैच की गई है। और सेंटर में यहाँ पर आपको जरी का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। तो ये बिल्कुल भी लेसिंग नहीं है, बल्कि इसे डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर लहंगा। तो ये बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं। और पूरा ही दुपट्टा इस तरीके से, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, लेकिन लाइट में बिल्कुल से भरा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो 2.25 मीटर का चारों तरफ से इस तरीके से बॉर्डर के साथ आपको रिसीव होता है लहंगा। जो कलर है वो स्क्रीन पर बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली लाइट नहीं है, गाजरी पीची कलर है, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये लहंगा। तो ये न्यूली ब्राइड हो, गर्ल्स हो, या प्लस एज हो, हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। तो ये बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा है। तो सबसे पहले हमें 2.25 मीटर का इसमें रिसीव हुआ है दुपट्टा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसमें हमें रिसीव होता है ब्लाउज, जो कि चोली है। ये पूरा ही मिरर वर्क इस पे आपको दिया गया है इस तरीके से, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। आप देख सकते हो फुल सीक्वेंस का और मिरर का वर्क आपको इसमें मिलता है इस तरीके से। आप देख सकते हो ये पूरा ही फ्रंट में आपको मिलेगा। तो जो सीक्वेंस और मिरर वर्क है, ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आप देखिए ब्लाउज बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये फ्रंट है, और उसके बाद आपको इस तरफ से ये मिलता है बैक, जो नेक मिलता है, क्योंकि इसका जो हुक्स है वो बैक साइड से आएगा। तो हाफ उधर से और हाफ इधर से, दोनों को ही ज्वाइन करके जो आपका मास्टर है आपको बनाकर देगा। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस वाला जो वर्क है, वो इस तरीके के शिमरी फैब्रिक पर मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बैक साइड से आपको, या स्लीव्स के लिए आपको, इस तरीके से ये सिल्क का फैब्रिक मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फुल ऑन गाजरी पीची कलर है, जो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो इस तरीके से हमें 80 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा मिलता है इसमें, 1 मीटर के करीब, इस तरीके से चोली का फैब्रिक, जो बहुत ही अच्छा है। तो जो ब्लाउज है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपकी पीच कलर की दूसरी साड़ीज है, तो उसके साथ भी आप ये वाला ब्लाउज यूज कर सकती हैं, क्योंकि जो उस पर वर्क दिया गया है, ये काफी सारे, मतलब साड़ीज के साथ, डिजाइनर साड़ीज के साथ मैच कर जाए, कुछ ऐसा हमें दिया गया है। दुपट्टा और ब्लाउज के बाद अब बारी आती है लहंगे की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें मिरर वर्क का मिलता है ये बहुत ही प्यारा फ्लेयर वाला लहंगा, जो बहुत ही ज्यादा सीक्वेंस, आप देख सकते हो पूरा ही मिरर वर्क है इसमें, इस तरीके से ये आपको मिलता है। और नीचे आते आते इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फुल भरी हुई एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। जो आपको लहंगे का इसमें फैब्रिक दिया गया है, वो सिल्क का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अंदर से जो इनर है, वो आपको सैटिन का इसमें मिलता है। जो फ्लेयर है, काफी ज्यादा है, मीन्स अंडर 900 में आपको इतना फ्लेयर वाला लहंगा मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। आप देखिए इस तरीके से ये पूरा ही भरा हुआ है, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। फ्लेयर तो बहुत ज्यादा है, लहंगा पकड़ने में थोड़ा हैवी भी है। तो सिल्क के फैब्रिक पर आपको इस तरीके से ये पैच स्टाइल एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, जिसपे मिरर लगाए गए हैं। तो इस तरीके का जो स्टाइल है, ये आपको हाफ लहंगा पर मिलता है। और उसके बाद ऊपर आते आते जो लहंगे का आपको डिजाइन मिलता है, वो फुल ऑन सीक्वेंस और मिरर से भरा हुआ मिलता है, जैसे कि इमेजेस पे दिखाया जा रहा है। वेयर करने के बाद लहंगा बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। इस तरीके से जो लहंगा है, वो बहुत ही अच्छा आपको नीचे मिलता है पैच स्टाइल वर्क, और नीचे ऊपर आते आते आपको इस तरीके से सीक्वेंस और ग्लास का पूरा ही वर्क इसमें मिलता है, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है। काफी ज्यादा कलीदार लहंगा है ये, आप देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। आप देख सकते हो, मेरे तो हाथों में भी नहीं आ रहा है लहंगा। फ्लेयर बहुत ज्यादा है, कैन हमें इसमें दी गई है। ये हो गया इसका फ्रंट, और बैक साइड से आपको मिलता है सेटिन का इनर सबसे पहले। उसके बाद आपको इसमें जो कैन है, वो काफी अच्छी डबल फ्लेयर इसमें आपको दिया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि फ्लेयर इससे बहुत ज्यादा इसका उठ जा रहा है, आप देख सकते हो। और जो लहंगे का घेरा आता है, उसमें बैक साइड से जो कैनवस होती है, उसके बाद आपको इस तरीके से शिमरी फैब्रिक दिया गया है। अगर कई बार लहंगा हम उठा लेते हैं और बैक साइड से नजर आता है, तो ये सीक्वेंस का जो बॉर्डर है, ये नजर आएगा। तो जो लहंगा है, ये फुल ऑन स्टाइलिश लहंगा है,
बिल्कुल भी कॉपी फील नहीं दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात कि इतना प्रिटी लहंगा, इतना फ्लेयर वाला लहंगा आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1900 में, मतलब 1890 का है और शिपिंग चार्जेस के साथ ही आपको इतने का पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो jhatki.com से आप सभी की रिक्वेस्ट है मैंने ये लहंगा मंगवाया जो कि मिरर वर्क लहंगा है, और ये भी रिक्वेस्ट करते हो आपकी दी सिल्क के लहंगा का रिव्यू शेयर करें, तो ये वैसा भी बिल्कुल से परफेक्ट है। अगर कोई ब्राइड है वो चाहती है ऐसे वाला लहंगा ट्राई करना तो वो सिर्फ दुपट्टे को एक हैवी लुक दे सकती है, तो ये उनके लिए भी बिल्कुल से परफेक्ट है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये लहंगा है, काफी अच्छे डिस्काउंट्स में है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर से जाके चेक कर सकते हैं। और जिन्हें कन्फ्यूजन से लहंगा बहुत ज्यादा अच्छा है बिल्कुल से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप गाइस दिस टाइम दिस फाउंड इज ऑल्सो हेल्पफुल यू, एंड इफ यू न्यू टू आवर हियर सो प्लीज डोंट गो विदाउट लाइक एंड विदाउट सब्सक्राइब। लव यू, बाय।